ये देख रही लिए, ये देख असली असली 50 तोला 50 तोला कितना 50 तोला। ये बाबा ये देखना, ये बुड्ढी की आंखें घूम गई। हे बाबा एक और झकास चीज दिखाओ क्या, जरा निकल देखना देखना, इसे बोलते घोड़ा, क्या घोड़ा। नायक नहीं। ओए आगे तुम लोग, वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है पोके चौप एसएनपी में। और तुम लोग मेरा नेदरराइट आर्मर तो जरूर देख रहे होगे कि भाई इसके पास नेदरराइट आर्मर कैसे आ गया, क्रिएटिव किया ना, क्रिएटिव क्रिएट। अरे भैया हमने कब ऐसा बोला, अपने आप से खुद ही कुछ भी बोल रहा है तू। डिसलाइक मारूंगा डिसलाइक में। अरे सॉरी सॉरी भैया डिसलाइक मत मारो, डिसलाइक की जगह लाइक मारो। यूट्यूब वालों ने दिया है लाइक का बटन, उसको तोड़ दो। और मैं स्टोरी बताता हूँ कि ये नेदरराइट आर्मर मुझे कैसे मिला। तो एडिटर भाई साहब शुरू से शुरू कर दीजिए। अरे भाई साहब एक बात बताऊँ, आप खुद ही आपके एडिटर हैं तो ऐसा मत बोलिए, आप थोड़ा सा औकात में रहिए। ठीक है भाई, तू थोड़ा सा शो ऑफ भी नहीं करने देता। चलो मैं बताता हूँ। फ्लैशबैक, तो मेरे पास डायमंड का आर्मर तो आ चुका था, लेकिन अब मुझे तलाश थी नेदरराइट की। तो मैं नेदरराइट खोजने नेदर में गया और मैंने बहुत सारी माइनिंग की, लेकिन अचानक मेरे सामने लावा आया और मैं लावा में गिर गया। और मैंने बहुत कोशिश की निकलने की कि मैं बच जाऊं, लेकिन मैं उधर ही लावा में गिर के मर गया। लेकिन अभी भी मैंने हार नहीं मानी थी और मैं फिर गया डायमंड्स माइन करने, वो भी अपने आयरन के सामान के साथ। और बहुत सारी माइनिंग के बाद मुझे फाइनली डायमंड्स मिल चुके थे। तो उन डायमंड्स को मैंने अपनी आयरन की पिकैक्स से तोड़ा और मैंने उधर से बस 3 डायमंड्स ही तोड़े, फिर मैं अपने घर चला गया। और फिर मैंने उन डायमंड्स की बनाई एक डायमंड पिकैक्स, एंड मैं अपने लाइब्रेरियन से फॉर्चून 3 की बुक भी लेके आ चुका था। और मैंने अपनी पिकैक्स पर वो फॉर्चून 3 की बुक लगाई, लेकिन मेरे पास 6 लेवल नहीं थे, तो मैं फिर 6 लेवल करके लाया और मैंने अपनी डायमंड की पिकैक्स पर लगाई फॉर्चून 3। और फिर मैंने जाके जो बचे हुए डायमंड्स थे उनको तोड़ा, फिर और भी डायमंड्स ढूंढे और उनको अपनी फॉर्चून 3 की पिकैक्स से तोड़ा। एंड बाद में मैंने नेदरराइट फाइंड करके कम्प्लीट कर लिया अपना पूरा नेदरराइट आर्मर। और मैंने अपना एक ट्रेडिंग हॉल भी बना दिया ताकि मैं अपने नेदरराइट आर्मर को एनचेंट कर पाऊँ। चलो फाइनली अब मेरा नेदरराइट आर्मर कंप्लीट हो चुका है, अब जाके एसएमपी मेंबर्स का रिएक्शन देख लेते हैं। ओहो भाई तेरे पास तो आर्मर है यार। भाई यार इसके अकेले के पास आर्मर है नहीं, मेरे पास भी था लेकिन मैं लावा में गिर के मर गया। भाई ये गुड न्यूज़ तुमने पहले भी नहीं बताया। गजब तू भी आजाद। अरे लावा में गिर के मर गया मैं डायमंड्स खोजने के चक्कर में। एक नंबर हुआ। लेकिन 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 मैंने जादू सीखा और जादू दिखाता हूँ तुम लोग को। रुको सारे इधर आ जाओ। रो भाई तू भी इधर आ। हेलो उधर क्या कर रहा है? जादू दिखाऊंगा मैं तुम लोग को, जल्दी आओ जल्दी। हम कौन देखता? इसको तोड़ूंगा मैं, पीछे जाओ। ये देखो अब मैं इसके अंदर जाऊंगा, कोई नहीं आने का आएगा पीछे। चलो चलो पीछे, मैं जादू दिखाऊंगा। ओके मैं 3 गिन के आऊंगा, ठीक है? सारे वेट करते रहो। 2000 years later। तुम लोग 3 गिनो। ओके और ऊपर वाला ब्लॉक कर दो। 1 2 3। ओह माय गॉड द ह्यूमन रिएक्शन। भाई किसका छुरा है ये? धोतर जोर मेरा ही है। अरे भाई मार दिया। मैं जा रहा हूँ। अब मैं तुम लोग को वो भी दिखाता हूँ मेरा बेस। आ जाओ मैं तुम्हें अपना घर और ये दिखाता हूँ। ये हमने इन सारी जगह को डिवाइड कर दिया सबके घर के लिए। और ये रही मेरी घर की जगह, हनी हाउस एरिया। अरे यार तू चुप कर जाना, इधर मेरा घर बनेगा। और एक्सट्रीम का तो ये रहा घर का। एक मिनट उसने कुछ लिखा है, इसने लिखा है दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू एक्सट्रीम। लेकिन एक्सट्रीम तो आ ही नहीं रहा, वो तो यूट्यूब भी छोड़ के चला गया। कमेंट्स में उसके कमेंट्स में स्पैम कर दो, जाके भर दो एक्सट्रीम। इधर आ जाओ इधर। ये बनाया मैंने रेल सिस्टम अपने एरिया पे जाने के लिए। दोस्त भिखारी नहीं आपन, बहुत पैसे अपने पास। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी एंटर नहीं करना अभी। अरे यार मेरे पास वो ही नहीं है माइंड कार्ड, नहीं तो इसके ऊपर बैठ के चलते। आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। एक सेकंड मेरे को भी आने दे। आ जा भाई, मैंने तुझे पकड़ के थोड़ी रखा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जा जा जा। आ जाओ मैं तुम्हें टूर कराऊंगा। विशेष ने तो देख ही रखा है। और इसका ये जो फेक रिएक्शन, क्या क्या रिएक्शन था भाई? फेक रिएक्शन।
चार बार रिएक्शन दे चुका हूँ, फिर से रिएक्शन दे रहा हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चलो चलो, इधर से सारे पेट काट दिए हमने, पूरी डिफोरेस्टेशन कर दी। सो गया बचपन से। ये रहा मेरा छोटा सा, इसको क्या बोलते हैं, शुगर केन फार्म। और ये ना इसने इधर आ भाई, तू रुक तू रुक, विशेष तू, हाँ विशेष ही था, विशेष ही था। इधर आके दो तीन क्रीपर फोड़ दिए इसने आके इधर। जनता माफ नहीं करेगी। ये भी मेरी गलती है। क्या हालत मजा दी भाई। इधर गेट भी था, गेट भी तोड़ दिया। आ जाओ अंदर आ जाओ, तू भी आ जाओ भाई। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल दो, आ जा विशेष तू भी। ये ट्रेडिंग हॉल है। हेलो, नाइस। मैं टपका दूंगा तुझे। दरवाजा तो खोल भाई, तू आ ही नहीं रहा, दरवाजा कैसे खोलूं मैं। आ जा भाई, घुस जा अंदर। इधर है मेरा एक ज़ॉम्बी प्लेजर जिसका नाम है, हमको भी बोलने देना साले। तो बताने तो दे लोगों को क्या क्या है मेरे पास। अरे हंगा रुक ना, मेरे को आने दे। इधर एक ज़ॉम्बी प्लेजर, इधर एक ज़ॉम्बी विलेजर है और उसका नाम है हगेश्वर। इधर से दिखी नहीं रहा, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन इसका नाम हगेश्वर रखा है यार। मैंने नेम टैग खराब कर दिया, दिखी नहीं रहा। ये देखो, ये देखो हगेश्वर, इसको भी करना है। और ये देखो नल्ला घूम रहा है हमारे ट्रेडिंग हॉल में, लेकिन इसको नहीं मारूंगा मैं, विलेजर दूसरे गुस्सा हो जाएंगे। और इधर है सारे विलेजर की सोने वाली जगह, इधर वो रात को सोते हैं। और याद रखना, अगर आइंदा को तोड़ा पड़े तो रात को रामलाल के साथ सोना पड़ेगा, ठीक है भाई। और ये रहा मेरा कुत्ता। हेलो हेलो डॉगी। हाँ भाई, कैसा चल रहा है लॉकडाउन? तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। दरवाजा खोल। आ जाओ, थोड़ी सी मैं माइंड कार्ड से बना कर लाता हूँ, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। इधर से 5 आयरन मुझे मिल गया, इधर से 7 आयरन मिल गया मुझे। वाह भाई वाह वाह, मेरे से गलती हो गई भैया, मैं जा रहा हूँ। टपली बजा दूंगा। ओके भाई, मिल गया, आ जाओ। सबके लिए हो गया इंतजाम। कितने जने? हम 4 जने हैं ना, 4 माइंड कार्ड बना लेता हूँ मैं। A few moments later. चलो मैं तो जा रहा हूँ, बाय 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 बाय, लूटो ना जा रहे जिंदगी के। मैं जा रहा हूँ, रेल गाड़ी छुक 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 छुक, रेल गाड़ी छुक। ये क्या अकेला दो माइंड कार्ड पर? ओ भाई, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, हवा में उड़ता है प्रो भाई। अरे वो जमीन पे चल रहा है भाई, ये क्या था? असंभव असंभव भाई, यार तूने तो अलग ही मामला कर दिया। चलो इधर है हमारे खेत। मेरे को बोलने देना, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? बोल ले भाई, तू भी बोल ले, सबको भी बोल, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं। इधर से फसल उखाड़ लो पूरी। तो यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर इतनी फसल उखाड़ देगा, इतनी फसल उखाड़ देगा, बोलो। चलो भाई, अभी वर्ल्ड में आया और इससे मैं काम कर रहा हूँ। भाई यार, तुमको बुलाया किस लिए? काम कराने के लिए। तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, तू अकेला ही काफी है। भाई तेरे पास अगर नेदरराइट का आर्मर नहीं होता ना, तो इधर एक टपली बजाता, सांप को पाल रहा था भाई। करो करो करो, ये तो खेती बाड़ी नहीं तो बजाऊंगा सबके टपली एक एक। अच्छा, ना घर बनाते, चलो घर। घर तेरे पास सामान भी है भाई? हेलो, तेरे पास खुद का आर्मर भी नहीं है, तेरे पास खुद की पिकैक्स भी नहीं है, तू घर क्या बनाएगा भाई? हेलो हेलो, ये ले, मैं तुझे ये फिशिंग रॉड गिफ्ट कर देता हूँ, जाके मछली पकड़। मैं आज भी जमीन में पड़ा हुआ सामान ले लेता छोटे, लेकिन जान दे ले लेता। कुछ तरीका है भीख मांगने का भाई? मेरे को भी दो कुछ भाई, तू टपली ले ले, टपली चाहिए। सो गया बचपन से। आ जाओ, तू ऐसा करते हैं, तुम लोग डायमंड खोजोगे और मैं उसे फॉर्चून की पिकैक्स से तोड़ के तुम्हें पैसा डबल करके दूंगा, ठीक है? मस्त प्लान है। इधर से आलू डलेगा, उधर से डायमंड निकलेगा। तू मेरी नकल करता है। हम सड़क बनाते हैं पहले, है ना? आ जाओ मेरे घर पे चलते, उधर होगा कुछ सामान अगर मैंने रखा हो तो। अरे वो किसकी है, पीछे मुड़ गया। चलो मैं तो शुरू करता हूँ फिर सड़क बनाना। प्रो भाई किधर है, उसको भी बुलाओ। अरे भाई क्रीपर, क्रीपर तेरी भाई। गन पाउडर देखिया, मुर्गी देखा कैसा है मेरा जलवा, हर जगह मेरा ही जलवा। अरे यार उधर क्यों? नहीं नहीं, हाँ इधर देख,
कैसा लगा मेरा जलवा? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये तेरी तो जलवा नहीं देखेगी तो तेरा जलवा बना दूंगा मैं। भाई किसका है ये? मैं लेके जा रहा हूँ। ये गधा मत बोल उसे, घोड़ा है मेरा वो सुपर फास्ट। रुबे तुझे आर्मर चाहिए क्या? मुंडी हिला दे अगर चाहिए तो। चाहिए भाई इसको। ये लो स्टोन ब्रिक्स और तुम लगाते चलो, मैं तोड़ते चलता हूँ। ठीक है, बड़ी अच्छी बात कही आप। ओके गाइस, मिलते हैं तुमसे इस सड़क को बना के रोड कंप्लीट करके मिलते हैं तुमसे। शीश और मैं एक्वेरियम बनाएंगे और तुम दोनों है ना रोड कंप्लीट करोगे। ये लो स्लैब लो और मेरी पिक शवल भी ले लो। ओके तो गाइस हमारा प्लान चेंज हो चुका है, अब हम रोड नहीं एक्वेरियम बनाने वाले हैं। और ये तीनों, अरे भाई तू रोड ही बनाने वाला है, विशेष और मैं एक्वेरियम बनाने वाले हैं। ठीक है, मेरे को भी एक्वेरियम बनाने का है। गाइस एक्वेरियम बना रहे थे, एक्वेरियम तो बनानी, लेकिन ये पता नहीं क्या बन गया। और विशेष देखो भाई इसके गोल चकेरे निकाल रहे। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और तुम लोग को वीडियो कैसी लगी बताना, और इसका मुंह देख के लाइक कर दो और उसके करतब देख के सब्सक्राइब कर दो। और बाकी हम लोग मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।